हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, हेलो जी, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल बच्चों? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? हाँ जी बच्चों, प्लीज रिप्लाई, क्या आवाज आ पा रही है? हेलो हेलो, ये परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस? सो गाइस, आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले, सभी बच्चे आ जाइए। तो अभी कल सुबह, आज सुबह ही हम लोगों ने जाते जाते दो वेक्टर का एडिशन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि चाहे 90 डिग्री एंगल हो, चाहे 0 डिग्री एंगल हो, चाहे 180 डिग्री एंगल हो, चाहे कुछ भी एंगल हो, हम दो वेक्टर्स को इजीली ऐड कर सकते हैं। और अभी तक हम लोगों ने क्या एनालाइज किया था बच्चों? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहे होंगे तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी हम लोगों ने क्या सीखा था, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के साथ हम लोगों को ऐड करना आना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक जो वहां से रिजल्ट एनालाइज किया था, सुबह हम लोगों ने पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आया था, वो क्या आया था बच्चों? अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ध्यान से सुनना बच्चों, ये ए एंड बी आर वॉट, दीज आर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए क्या है बच्चों? ए इज मैग्नीट्यूड। सिमिलरली बी भी क्या है? मैग्नीट्यूड। और ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। हेलो हेलो एवरीवन, या हेलो वंदना, हेलो निष्ठा, हेलो उत्तम, हेलो वेरी गुड, सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत मुबारक। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। फिर हम लोगों ने देखा था, चलिए ये तो हमें आ गया था, और ये थीटा क्या था बच्चे? थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है ना बच्चों? चलिए, अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है बच्चों। इट मे बी 0 डिग्री, मे बी 180 डिग्री, मे बी 90 डिग्री, मे बी एनीथिंग, 30, 45, वट एवर जो भी है। चलिए, तो इसके स्पेशल केसेस देखते हैं अब हम लोग। देखिए, इफ थीटा इज जीरो, थीटा जीरो कब होगा? सोचो, When two vectors are parallel to each other, two vectors are collinear vectors. तो अगर हमारे पास दो वेक्टर पैरेलल हुए या दो वेक्टर कोलिनियर हुए, है ना बच्चों? ए वेक्टर बी वेक्टर एंड ए वेक्टर बी वेक्टर, तो इस केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी? सभी बच्चे बोलेंगे वेरी गुड, सभी रिप्लाई करेंगे बहुत अच्छे से, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, 0 डिग्री, वेरी गुड। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। एंड वी नो दैट cos 0 is 1। अगर cos 0 1 हो गया तो बताइए r रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा? जल्दी देखिए, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस, देखिए इसकी वैल्यू 1 होगी तो बचा क्या? 2ab। अरे ध्यान से देखो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, जल्दी 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 जल्दी, किसका फॉर्मूला होता है? अरे सर, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी। यानी अगर मेरे पास थीटा, यानी दो वेक्टर्स पैरेलल ये कोलिनियर आ गए, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? ए प्लस बी डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं, यानी 2i कैप प्लस 3i कैप। तो टोटल कितना बना? 5i कैप। बोलिए, इतना समझ में आया? चलिए, और आपको और अच्छी बात लगेगी कि यही उसका मैक्सिमम भी होगा, आर मैक्सिमम भी यही होगा, ए प्लस बी। चलिए सेकंड केस देखते हम लोग। इफ टू वेक्टर आर एंटी पैरेलल टू इच अदर, एंटी पैरेलल का मतलब एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो एंटी पैरेलल टू इच अदर या ऑपोजिट टू इच अदर। तो हमने बोला, लेट से ए वेक्टर ये रहा बच्चों आपके पास, बी वेक्टर ये रहा बेटे आपके पास, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑपोजिट टू इच अदर। तो एंगल कैसे निकालते हैं? टेल टू टेल, टिप टू टिप, तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा बच्चों? 180 डिग्री।
अब ये कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, हालांकि मैं कैलकुलेट करने का मेथड भी सिखा दूंगा अभी, या तो आज की क्लास में अगर टाइम लगा तो, नहीं तो कल जरूर बताएंगे हम लोग। तो कोस जो होता है ना, कोस 180, ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है बेटा, आपको याद होनी चाहिए। ये माइनस वन होता है, कोस 180 क्या होता है बच्चों, माइनस वन। चलिए पुट कीजिए, तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आया जल्दी बताइए। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ठीक है ना, और कोस 180 की वैल्यू माइनस वन, यानी माइनस वन मल्टीप्लीकेशन में तो बाहर आ जाएगा, तो व्हाट विल राइट, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। अब जल्दी जल्दी बताइए किसका फॉर्मूला बना, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे जल्दी, ये किसका फॉर्मूला बना, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, किसका फॉर्मूला बना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर, ये बना फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी आर रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ जाएगा बच्चे, अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड दिस कम्स आउट टू बी ए माइनस बी। देखिए अब हम लोगों को दो चीजों पे एनालाइज करने हैं यहां से, कि हमारे पास मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आ सकता है। मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा जब व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू या एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, ए माइनस बी, इसको हम मिनिमम रिजल्टेंट भी बोलते हैं बच्चों, यानी दो वेक्टर्स के बीच में मिनिमम रिजल्टेंट कब आएगा, व्हेन दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर या व्हेन दे आर अपोजिट टू ईच अदर, एक आई डायरेक्शन में है एक माइनस आई डायरेक्शन में। बात समझ में आई आप लोगों के लिए, यानी कोई भी जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर, ये कहां से कहां वेरी कर सकता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी हो सकती है। यानी अगर मैं बोलूं कि एक बॉडी पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, टू और टू दो फोर्स लग रहे, 2 न्यूटन और 2 न्यूटन, तो उनकी वैल्यू 0 से लेके 4 के बीच में वेरी कर सकती है, 2 माइनस 2 0 भी हो सकता है, 2 प्लस 2 4 भी हो सकता है, और उनके बीच में कोई भी वैल्यू लाई कर सकता है। बात समझ में आई, वो डिपेंड करेगा कि उनके बीच में एंगल कितना है। बात समझ में आई, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर वो कहां से कहां वेरी करेगा जल्दी बताइए। आर मैक्सिमम, या तो आर मैक्सिमम के बराबर हो सकता है, या आर मैक्सिमम से कम हो सकता है, या आर मिनिमम के बराबर हो सकता है, या आर मिनिमम से बड़ा हो सकता है। कि जो भी रिजल्टेंट वैल्यू रहेगी ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसी के बेस पे खत्म हो जाते हैं फटाक से। क्या याद रखना हमें, कि कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर मेरे पास है, उसकी वैल्यू आर मैक्स से आर मिनिमम के बीच में वेरी करने वाली है, वो आर मैक्सिमम के बराबर भी हो सकता है, आर मिनिमम के बराबर भी हो सकता है, आर मिनिमम से बड़ा भी हो सकता है, और आर मैक्सिमम से छोटा भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल अभी बताया कि एक बॉडी पे 2 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा था, 2 न्यूटन का दूसरा फोर्स लग रहा था, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 4 न्यूटन, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 न्यूटन, और वो 0 और 4 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, डिपेंड किस पे करेगा, अरे सर थीटा पर। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ ध्यान से सुनना, कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ना बच्चा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। देखो जैसे जैसे कॉस थीटा, ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना, R is directly proportional to cos theta, and cos theta is inversely proportional to theta। मतलब याद करो, आप लोगों ने वैल्यू देखी थी, cos 0 की वैल्यू होती है बच्चों 1, ठीक है ना, आगे बढ़ो, और cos 90 की वैल्यू होती है बच्चों 0। यहां से हमें क्या चीज समझ में आई, कि जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाता चला जाऊंगा, एंगल मतलब 0 से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होती चली जाती है। देखिए कॉस 0 पे 1 है, मैक्सिमम वैल्यू है 1, और जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है, यानी कॉस 0, जब एंगल 0 रहेगा तो रिजल्टेंट मैक्सिमम रहेगा, जैसे 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 एंगल बढ़ता चला जाएगा, एंगल बढ़ता चला जा रहा है, यानी कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है, कॉस थीटा की वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो रिजल्टेंट भी कम होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है, और यहाँ एंगल के बेस पे क्या है, मैं लिख सकता हूँ रिजल्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/थीटा। रिजल्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/थीटा का मतलब क्या है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेंगे, थीटा तो इंक्रीज होगा बच्चों,
डिग्री से 30 डिग्री, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, डिक्रीज। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी थीटा बढ़ा तो रिजल्टेंट डिक्रीज। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। जल्दी सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, सभी बच्चे। हेलो एवरीवन, वेरी गुड। जल्दी देखिए एक बारी, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो डू रिप्लाई मी। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है, अब इसी वाले के बेस पे एक क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसी जितना अभी तक पढ़ा उसी के बेस पे एक क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। चलिए लिखिए क्वेश्चन। आउट ऑफ दी फॉलोइंग, लिखिए क्वेश्चन बोल रहा हूं, आउट ऑफ दी फॉलोइंग, आउट ऑफ दी फॉलोइंग द रिजल्टेंट वेक्टर कैन नॉट बी, आउट ऑफ दी फॉलोइंग, आउट ऑफ दी फॉलोइंग, फॉलोइंग दी रिजल्टेंट वेक्टर, दी रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर समझ में आ गया, दी रिजल्टेंट वेक्टर कैन नॉट बी ऑफ, कैन नॉट बी ऑफ 4 न्यूटन। एंड ऑप्शंस आर 2.2, ये 2 फोर्स है, बी 2.4, सी 2.6, डी 2.8। क्वेश्चन समझ में आने की देखना, क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्वेश्चन क्या बोला गया है बच्चों, आउट ऑफ दी फॉलोइंग दी रिजल्टेंट ऑफ विच कैन नॉट बी 4 न्यूटन, दी रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ विच, दी रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ विच कैन नॉट बी 4 न्यूटन। जल्दी, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे जल्दी। हाँ जी रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया, वेरी गुड। ए बी सी डी, ए बी सी डी में से बताइए जल्दी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अरे वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह, वेरी गुड, अमेजिंग बच्चे बच्चे, अमेजिंग, वेरी गुड। चलिए देखिए, आउट ऑफ दी फॉलोइंग दी रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ विच कैन नॉट बी ऑफ 4 न्यूटन। अभी हमें तो पता है आर मैक्सिमम और आर मिनिमम के बीच में रिजल्टेंट वेक्टर चलेगा, तो इसका मैक्सिमम बताइए 4, मिनिमम बताइए 4, 0, तो हुआ ना, तो यहां से तो 4 न्यूटन आ सकता है। इसका मैक्सिमम बताइए 6, मिनिमम बताइए 2, तो सर यहाँ पे भी वेरी कर सकता है। बहुत ईजी है, एक बार ऐड कर दो, एक बार माइनस कर दो, उन्हीं के बीच में वैल्यू आएगी। देखो 0 और 4 के बीच में 4 आएगा, 2 और 6 के बीच में भी 4 आएगा। सिमिलरली मैक्सिमम कितना जाएगा 8, और मिनिमम कितना जाएगा 4, आ रहा है अभी भी। इसमें देखिए मैक्सिमम कितना गया 10, और मिनिमम कितना गया 6, तो ये एकमात्र ऐसा केस बना जिसमें 4 न्यूटन एग्जिस्ट नहीं करने वाला। बताइए ये क्वेश्चन में कोई डाउट, बहुत ईजी लगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे उतार लीजिए, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन चलने वाले हैं, टेंशन लेने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, द मैक्सिमम एंड मिनिमम, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट, द मैक्सिमम एंड, हाँ सभी बच्चे लिखेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स इज 17 एंड 7। रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स इज 17 एंड 7। ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर इज 17 एंड 7। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, द मैक्सिमम मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज 17 एंड 7. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्वेश्चन समझना बच्चों, क्या बोला गया. वेरी गुड वेरी गुड. हेलो हेलो जी, हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम. थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हो बच्चों. हाँ जी, चलिए. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. चलो चलो चलो, वेरी गुड. देखिए क्वेश्चन, देखिए एक बारी ध्यान से. हाँ जी, वेरी गुड. द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज 17 एंड 7. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सभी बच्चे अच्छे जी, आंसर आना स्टार्ट हो गया. वेरी गुड वेरी गुड. नमस्ते सर, नमस्ते बेटे, हेलो मैम. चलिए तो देखते हैं अब ये क्वेश्चन कैसे होता है. अब देखिए, हमें क्वेश्चन को देख के इतना तो समझ में आ गया ना कि मैक्सिमम ये है और मिनिमम ये है. यानी हमें कोई भी दो वेक्टर चूज कर लीजिए, हमें नहीं पता. तो लेट अस सपोज, मान लेते कि एक वेक्टर ए है और दूसरा बी वेक्टर है. तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना. यही तो होगा ना हमारे पास. अब मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम के लिए क्या होगा 17, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी. मिनिमम क्या होगा 7, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी. ये हमारा देखिए गिवन डेटा है. अब हमें क्या करना है, हमें यहां से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है. तो निकाल लीजिए, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, ऐड कर दो तो बी बी विल कैंसिल आउट. तो 2a बना, 2a कितना बना बेटा 24. तो a की वैल्यू कितनी बनी बेटा 12, ठीक है ना. अब a की वैल्यू इसमें रख देते हैं, चलिए रखते हैं. तो 7 दिस इज इक्वल टू 12 माइनस बी. तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 5. यानी हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता लग गया और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता लग गया. अब उन्होंने बोला कि दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यानी अगर मैं इनका रिजल्टेंट वेक्टर लिखूं, बच्चों ध्यान से देखना, अब रिजल्टेंट वेक्टर लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप, 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप. अब एक बच्चा बोलेगा सर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 5 आई कैप प्लस 12 जे कैप. हाँ, क्योंकि हमें स्पेसिफाई थोड़ी ना किया गया कि कौन सी एक्स है कौन सी वाई है. बिल्कुल, लेकिन याद करो सुबह ही हम लोगों ने बोला था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर. तो कोई भी परेशानी तुम्हें नहीं आने वाली, किसी को भी आई मान लो, किसी को भी जे मान लो, रिजल्टेंट विल रिमेन सेम. चलिए तो अब हमारे पास क्या आ गया, अगर मैं इसको 12 मान रहा हूं, इसको 5 मान रहा हूं, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री. परपेंडिकुलर का मतलब समझ में आ गया बच्चों, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री. तो ये लीजिए जी, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री आ गया. अब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री आ गया तो कौन सी लॉ लगाएंगे यहाँ पर, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है ना. तो ये रिजल्टेंट निकालना हमें. रिजल्टेंट कैसे निकलेगा बच्चे, हमें आता है सर रिजल्टेंट वेक्टर, बताइए जल्दी, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर. आई का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, एंड इट विल कम्स आउट टू बी 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 25 169, अंडर रूट ऑफ 169 इज 13. तो अंडर रूट ऑफ 169 एंड इट कम्स आउट टू बी 13. यानी हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर क्या आया बच्चों, 13 न्यूटन. क्या आया बच्चों, 13 न्यूटन. देखिए इजी था क्वेश्चन, कोई भी परेशानी अगर इस क्वेश्चन में लगी है तो आपको. हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, सभी बच्चों ने रिप्लाई दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलिए तो हमें इतना समझ में आ गया कि देखिए क्वेश्चन कैसे भी घुमा के रखे, हमें तो अपने बेसिक को पकड़ के चलना है. अगर हमारे बेसिक बहुत स्ट्रोंग है तो अनडाउटेडली हम स्लोली और ग्रेजुअली कॉन्सेप्ट को पकड़ के आंसर तक तो पहुंच ही जाएंगे. जो कि अभी तक हम लोगों ने 3 से 4 आवर्स की स्टडी की है वेक्टर्स को लेके, वेक्टर्स में छोटे छोटे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझाया है. आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि घर बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना. आज आपको असाइनमेंट्स भी भेजूंगा वेक्टर से रिलेटेड, कुछ इन्हीं ऐसे ही क्वेश्चन से रिलेटेड. तो कोशिश करना वो क्वेश्चन भी आप लोग कर पाए इजिली, बिना किसी हेल्प के, जो आप लोगों ने अभी तक सीखा है समझा है
उसी को एग्जिबिट करना, उसी को एम्फेसाइज करना, उसी को अप्लाई करना है क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए। चलिए देखिए हो गया। चलिए अब आगे आते हैं। तो हमें इतना समझ में आ गया कि कोई भी दो वेक्टर्स इफ दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल हो गए तो हमें उनको ऐड करना आता है। अच्छा अगर दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री आ गया तो, हाँ तो 90 डिग्री का तो हम करते ही आए थे बेटा सोल्व, है ना। ये 90 डिग्री आ गया, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट बोलो। रिजल्टेंट सर, रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखिए आप, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर एवरी एंगल, कैसा भी एंगल क्यों ना आ जाए। तो सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। अब जो ये कॉस 90 होता है ना बच्चे, ये जीरो होता है। अब देखो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है, दीज आर सम स्टैंडर्ड वैल्यूज। वो टेबल तो पूरी याद होनी चाहिए आपको, 0, 30, 37, 45, 53, 60, 90, 180, स्टैंडर्ड है, याद होनी चाहिए। चलिए अब तो हमारे पास क्या बचा है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है बच्चों, देखना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कोई नई बात नहीं है, अभी तक सारे क्वेश्चन इसी के बेस पे हम लोगों ने किए थे। बोलो इतना समझ में आया। चलिए अब एक चीज और आपको एनालाइज कराता हूं, देखना। मैंने बोला अगर दो वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इफ देर आर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और ये बोला गया कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। जैसे इधर भी 5 न्यूटन लग रहा है, वाई डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन लग रहा है, ध्यान से सुनना। तो मान लो ये आपके पास ए वेक्टर है, जितना इधर है उतना ही किसी भी एंगल पे हो सकता है बच्चों ये, लेकिन याद क्या करनी है, दोनों की लेंथ सेम बनानी है, क्योंकि लेंथ किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, मैग्नीट्यूड को। वेरी गुड। अब हमसे बोला क्या गया, सभी बच्चे बताएंगे कि दोनों के बीच में एंगल है थीटा, हमसे बोला गया रिजल्टेंट कैलकुलेट करना, तो रिजल्टेंट का तो यही फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। लेकिन मैं यहां से डायरेक्ट भी आपको एक चीज रिजल्ट याद करा रहा हूँ, बेसिक रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, 12th के मोस्टली चैप्टर में, जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसमें देखेंगे सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिजल्ट है ये। तो क्या करना है आपको याद, कि जो भी मान लो इनके बीच में 60 डिग्री एंगल है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी 5 ये भी 5, कितने भी एंगल पे क्यों ना हो, तो जो रिजल्टेंट होगा ना, रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा इनका एंगुलर बाइसेक्टर पे जाएगा। एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब यहां से कितना एंगल, अल्फा बोला था ना इसको, अल्फा बोलते थे हम लोग, रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है, तो ये अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, थीटा बाय 2। यानी अगर इधर 5 है, इधर 5 है, तो बताइए दोनों के बीच में एंगल कितना है सर, थीटा तो 90 डिग्री आ गया, थीटा 90 डिग्री आ गया, तो अल्फा की वैल्यू बताइए 45, और सोल्व करके देख लीजिए 45 आएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए रिजल्टेंट तो इधर जाएगा ना, पैरेललोग्राम लो। अब पैरेललोग्राम लो में ये 5 है तो ये भी 5 है, तो हमें यही तो एंगल निकालना होता है, तो जिसको हम लोगों ने अल्फा दिया था, टेंजेंट अल्फा सुबह निकाला था। अब टेंजेंट अल्फा कैसे निकालेंगे, देखिए टेन अल्फा कैसे लिखेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस 5/5, यानी 1, बताइए टेन अल्फा 1 कब होता है, व्हेन अल्फा इज 45 डिग्री, और ये तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद हो गया। बोलो आया नहीं। अब इसी रिजल्ट को इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले फॉर्मूले में हम लगाने की कोशिश करते, देखिए हमें पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है बच्चे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन हमें गिवन क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी मैं लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू बी। चलो जी करते हैं, तो ए इक्वल टू बी लिखा तो मैंने क्या बना बच्चों, ए का स्क्वायर, बी की वैल्यू को भी ये रख दो, ए का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ध्यान से देखो अब ये ए स्क्वायर ये बी ए स्क्वायर, तो क्या बना बच्चों, ये अंडर रूट ऑफ 2ab plus 2ab cos थीटा। ध्यान से देखो, क्या मैं यहां से 2ab कॉमन ले लूं, हाँ से ले सकते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 2ab मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा बेटा 1, यहाँ पे क्या बचा बेटा कॉस थीटा। अब अगेन मैथ्स में की बेसिक आइडेंटिटी है कि अगर 1 plus cos थीटा आ जाए, क्या कोई बच्चा मुझे रिप्लाई कर सकता है, अगर 1 plus cos थीटा आ जाए, अगर 1 plus cos थीटा आ जाए, सभी बच्चे बोलेंगे हाँ जी,
अगर 1 + cos θ आ जाए तो मैथ्स की आइडेंटिटी बताइए मैं क्या लिख सकता हूं। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे जल्दी, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। वेरी गुड, नहीं 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 ना, नो 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 नो, चलिए चलिए मैं बताता हूं। तो मैथ्स की आइडेंटिटी है बेटा, अगर 1 + cos θ लिखा आ जाता है तो मैं इसको लिखता हूं 2 cos²θ/2। याद कर लो, स्टैंडर्ड है, आइडेंटिटी है, जैसे sin²θ + cos²θ 1 पढ़ा था ना, ऐसे ही कहीं पर भी दिखा जाए 1 + cos θ 1 + cos θ तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लेना, 2 cos²θ/2। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये कितनी वैल्यू बन गई, पुट करो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ, देखो 2a² तो एज इट इज चलेगा बच्चों हमारे पास, और 1 + cos θ को क्या लिखा, 2 cos²θ/2 2 cos²θ/2। अब देखो ध्यान से, 2 2 रिजल्टेंट है ये, 2 2 अंडर रूट में तो 2 बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा बाय 2 बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास डायरेक्ट एक रिजल्टेंट बन गया कि अगर दोनों वेक्टर का, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, किसी भी एंगल थीटा पर वो इंक्लाइंड है ऐसे, तो डायरेक्ट हम रिजल्टेंट याद कर लेंगे 2a cos θ/2 2a cos θ/2, और उनका रिजल्टेंट वेक्टर कितने एंगल पे जाएगा, थीटा बाय 2 पर उनका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। बोलो इतना समझ में आया, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, सभी बच्चे एक बारी वाई फोर या सेन फोर नो लिखेंगे। वेरी गुड परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, चलिए चलिए बहुत सुंदर बच्चों, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग इतना अच्छा रिप्लाई देते हैं, वेरी गुड। चलिए ठीक है ना, अब देखिए ये सब चीजें हमें समझ में आ गई। तो ये तो बात हम कर रहे थे बेसिक एडिशन की, लेकिन सर अगर हमारे उसमें सब्ट्रैक्शन आ जाए तो, सर सब्ट्रैक्शन बेसिकली होता क्या, आप खुद बताइए सब्ट्रैक्शन क्या होता है। जैसे एडिशन हम लोगों ने देखा था कि ये एक वेक्टर है इधर, ये एक वेक्टर है इधर, और हमसे बोला गया a प्लस बी वेक्टर को ऐड करो, यानी रिजल्टेंट निकालो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, ठीक है सर। तो हमने क्या बोला था कि इन दोनों को ऐड करते हैं, कीजिए सर, दिस इज a वेक्टर एंड दिस इज b वेक्टर। कौन सी लॉ लगाई थी बेटे यहां पर, दोनों की टेल एक साथ है सर, तो पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम क्या कहता है, बिल्कुल पैरेललोग्राम बना दीजिए, है ना, जो भी इनका डायगोनल होगा ये डायगोनल हमारे पास रिजल्टेंट दे देगा। अच्छा फिर एक आती है हमारे पास ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ से भी हम लोगों ने देखा था ग्राफिकल मेथड से, माता बेटा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सेम रिजल्टेंट का भी फॉर्मूला वही आता है। देखिए अब अभी एक बार बताइए, ट्रायंगल लॉ में कैसे ऐड करेंगे, दिस इज ए वेक्टर दिस इज बी वेक्टर, फिर वही इस वेक्टर को आगे यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, तो ये थीटा बनेगा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। सुबह पैरेललोग्राम लो कैसे कराई थी, ध्यान से देखना, दिस इज ए वेक्टर दिस इज बी वेक्टर, ये आपके पास थीटा एंगल हुआ था, पैरेललोग्राम बनाया था हम लोगों ने, याद है ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या था, जो कि अल्फा एंगल पे था। फिर हमने क्या किया था, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी ये वाली चीजें। अब देखो ये वाले पार्ट को अगर मैं रब कर दूं, ये वाले पार्ट को रब कर दूं, अरे ध्यान से देखो, तो ये तो सर ट्राइंगल लो ही बना, सेम रिजल्टेंट बनेगा, बिल्कुल सेम डिट्टो। तो यहां से रिजल्टेंट ये आ जाएगा हमारे पास, ये वही अल्फा आ जाएगा, ये थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये वही 90 डिग्री आ जाएगा, तो ये बी का वही बी कॉस थीटा हो जाएगा, ये वही बी साइन थीटा हो जाएगा। फिर वही आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन का स्क्वायर इज प्लस इसका स्क्वायर, विल गेट द सेम रिजल्ट, नीड नॉट वरी अबाउट दैट। तो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का बस रिप्रेजेंटेशन डायग्राम, ट्रायंगल लो में ऐसे दिखाई देगा और पैरेललोग्राम लो का डायग्राम ऐसे दिखाई देगा, इसको अगर मैं हटा दूंगा तो ये वही ट्रायंगल लो का रिप्रेजेंटेशन बनने वाला है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चलिए तो हमें इतना तो समझ में आ गया था कि सर, चलिए सर, लेकिन अब तो हम बात कर रहे थे सब्ट्रैक्शन की, और ध्यान से सुनना,
जो रिजल्टेंट था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ए और बी क्या थे? ए एंड बी आर दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ध्यान से सुनना, ए एंड बी आर दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर आ जाता है, तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। चलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स आ जाता है। हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड। तो ट्रायंगल लो, मैंने आप लोगों के लिए बोला है कि आप लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। में देखिए मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, एंगल थीटा है दोनों के बीच में। अभी तो हम लोगों ने एडिशन सीखा है, तो एडिशन क्या हो गया बेटा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन हमसे बोला गया सब्ट्रैक्ट कीजिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब ये माइनस बी वेक्टर क्या हुआ यार, ये हमें समझ में नहीं आया। याद करो आप लोगों को पहले पहले लेक्चर में बताया था नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं। आ गए याद? नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, देखिए बेसिकली क्या है। अगर मैं थोड़ा सा इसको अपनी लैंग्वेज में बताऊं कि सब्ट्रैक्शन इज बेसिकली एडिशन ऑफ, सब्ट्रैक्शन इज बेसिकली एडिशन ऑफ, देखो सब्ट्रैक्शन इज बेसिकली एडिशन ऑफ ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। बोलो ये समझ में आई क्या डेफिनेशन? सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। अब बात यह है कि सर ये नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्या होता है? आपको पता है नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, कि अगर ये ए वेक्टर है, याद करो ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में सिखाया था, परफेक्ट। अगर ये ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या बनेगा? ये रहा सर, यानी उसकी टेल जो है टिप में कन्वर्ट हो जाएगी और टिप उसकी टेल में कन्वर्ट हो जाएगी। नेगेटिव वेक्टर बिल्कुल 180 डिग्री का शिफ्ट कर दो वेक्टर में। देखिए ऐसे था ये और मैंने एक ऐसे कर दिया, बिल्कुल नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर ये बन गया। अब इसी क्वेश्चन में आते हैं, देखना ध्यान से, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। तो जब हम लोगों ने एडिशन करना था तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चे डायग्राम पे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये एंगल बनाता थीटा और इनका रिजल्टेंट हमने बनाया था ये। देखो ध्यान से, रिजल्टेंट ये बना था बच्चों, और ये रिजल्टेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? दिस रिजल्टेंट रिप्रेजेंट्स योर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है मेरे दोस्त, क्वेश्चन क्या है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है। तो ए वेक्टर को तो यही लिखा रहने दो, माइनस बी वेक्टर बताइए क्या करेंगे? सर इस वेक्टर को रिवर्स कर दो, यानी ये कर दिया मैंने, ठीक है ना, कर दिया ना। अब देखिए ये क्या बन गया? माइनस बी वेक्टर। और माइनस फिजिक्स में क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी बी ऐसे जा रहा था तो माइनस बी ऐसे जाएगा। अब हमें ए और माइनस बी के बीच में ये एंगल निकालना है, इसको थीटा डैश मान लेते हैं। अब कोई मुझे बता सकता है ये थीटा डैश कितना होगा? सभी बच्चे, ये थीटा डैश कितना होने वाला है? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे थीटा डैश कितना होने वाला है। हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे थीटा डैश कितना होने वाला है। हाँ वेरी गुड निष्ठा, वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, परफेक्ट परफेक्ट। थीटा डैश कितना होने वाला है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर, ये होगा, देखिए ये तो टोटल थीटा था ना सर, और एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 होता है, जिसमें से ये थीटा ऑलरेडी हम बोल चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अभी हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेते हैं, आर डैश बोल देते इसको, ठीक है ना। आर डैश, आर डैश किधर जाएगा? देखिए अभी भी पैरेललोग्राम लो ही है, तो पैरेललोग्राम लो क्या कहते हैं इनको भैया? पैरेललोग्राम बना दीजिए, बना दिया, यहां से लेके यहां तक ए, ये आर डैश आ गया हमारे पास। तो आर डैश क्या होगा बेटा? आर डैश वेक्टर को अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा बच्चे? ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालना तो हमें आता है सर, आर डैश का मैग्नीट्यूड, आर डैश का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चे? अंडर रूट ऑफ, अब ध्यान से सुनना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। बोलो
ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड, बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड, 2a मैग्नीट्यूड, b मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। देखिए यहां तक बताइए, सभी बच्चों को समझ में आया क्या? सभी बच्चे थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ समझ में आया तो यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए। और तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा अब, जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड निष्ठा, वेरी गुड, सभी बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब सुनिए, इस फिगर को जब हम लोगों ने थोड़ा सा एनालाइज किया ना, तो हम लोगों ने क्या देखा, ध्यान से सुनना, स्टैंडर्ड है याद रखना, कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, और ये हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम बना दिया। ध्यान से देखना बच्चों, ये हम लोगों ने क्या बना दिया, एक पैरेललोग्राम। अब हमें पता है पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होते हैं, देखो ना ध्यान से। ये अगर मैंने ये डायग्राम रिप्रेजेंट किया, ये डायगोनल, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एडिशन वेक्टर को, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को। अब देखो, जो कि ये रिजल्टेंट वेक्टर था ना, अगर मैं इसको यहां उठा के यहां पे लगाऊं, बिल्कुल लगा सकता हूं कि पैरेलली मैं इसको शिफ्ट करा सकता हूं, और ये पूरा एक बड़ा पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है ना। तो अगर मैं इस रिजल्टेंट वेक्टर को यहां से उठा के यहां पे रख दूं, रखो, तो ये आर डैश को रिप्रेजेंट करेगा, और आर डैश क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ध्यान से देखना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी हमें क्या समझ में आया कि कोई भी पैरेललोग्राम है आपके पास, कोई भी पैरेललोग्राम, दिस रिप्रेजेंट्स योर ए वेक्टर, दिस रिप्रेजेंट्स योर बी वेक्टर, तो अगर दोनों के यहां से एक डायगोनल ये निकाल दोगे, तो ये तो आपको रिप्रेजेंट करेगा आर वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बी वेक्टर के हेड से, यहां के हेड से ए वेक्टर का हेड ये रहा, इसको रिप्ले, इसको ज्वाइन कर दो, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, आर डैश वेक्टर, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बोलो, यानी पैरेललोग्राम लो का एक डायगोनल एडिशन को रिप्रेजेंट करता है और एक डायगोनल सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में याद रखना है कहां से कहां, जो माइनस कर रहे हो ना पीछे वाला, वहां से टेल स्टार्ट होगी, और जहां तक जिसमें से कर रहे हो वहां पर हेड आने वाला है। जल्दी बताइए, क्या डायग्राम देख के आपको समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कि हम लोग एक ही डायग्राम में से दोनों चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो। ये बिल्कुल बेसिक स्टैंडर्ड था आपको, और ये मैंने आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया कि एक पैरेललोग्राम लो के दो डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा आपके पास ए प्लस बी को, और एक रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी को। लेकिन ए माइनस बी वाला वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनाएंगे, जहां से जिसमें जो इसको माइनस करे वहां से टेल, और जिसमें से कर रहे हैं वहां से हेड रिप्रेजेंट करेगा। सोचो, अगर हमें बी माइनस ए करना होता, तो सर बी माइनस ए करना होता तो यहाँ से स्टार्ट होता रिजल्टेंट वेक्टर, ऊपर की तरफ चला जाता। जल्दी बताइए, एकदम क्रिस्टल क्लियर है? अगर क्रिस्टल क्लियर है तो सी लिख दीजिए, सी फोर क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड, सी फोर क्रिस्टल क्लियर, परफेक्ट 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 सी। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड सागर, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, तो अभी हमें कुछ कुछ चीजें समझ में आ गई कि सर हमें एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स भी आ गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स भी आ गया हमें, और बेसिकली सब्ट्रैक्शन क्या है बच्चे, एडिशन है ए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ सेकेंड वेक्टर, और नेगेटिव वेक्टर कैसे निकालते हैं, हम लोगों को समझ में आ गया कि सर जो दूसरा वेक्टर होगा ना, बिल्कुल 180 डिग्री शिफ्ट कर देंगे, यानी अगर कोई ऐसे ए वेक्टर है तो इसको बिल्कुल ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, या 180 डिग्री शिफ्ट कर देंगे, तो ये अगर ए वेक्टर पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ए वेक्टर नेगेटिव, फॉर्मूला सेम रहेगा। अब बात आती है ये कि सर एक में तो कॉस की वैल्यू थीटा आई थी, कॉस थीटा आया था, लेकिन दूसरे में कॉस 180 माइनस थीटा आ गया, मान लो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो दूसरा एंगल क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ 150 डिग्री है।
अब इसमें थोड़ा डाउट होता है हम लोगों को कि सर 150 तो नहीं आता, सोचो 135 आ गया तो, अरे सर ये तो बड़ी मुश्किलें हो रही। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इसमें से मेजोरिटी बच्चे को ये वाली वैल्यूज आती होंगी निकालनी। टीचर ने आपको 10th स्टैंडर्ड में सिखाते हैं मैथ्स में कि 180 माइनस 90 प्लस कुछ भी कर देते हैं ना। अब देखिए, अभी आपको एक बेसिक चीज याद रखनी है क्या, कि हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं। हालांकि ग्राफ में मैं ये सब चीजें बता चुका हूँ, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 साइन कोस टेन कोट कोसेकेंट सिकेंट होता है ना, साइन का उल्टा कोसेकेंट, टेन का उल्टा कोट और कोसेक का उल्टा सिकेंट, कोस का उल्टा सिकेंट। अब हमने बोला कि ये चार क्वाड्रेंट होते हैं मेरे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। सभी के सभी छह के छह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। तो हम लोगों ने याद करने का तरीका बनाया था ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। स्कूल के बाद आप कॉलेज में प्रवेश करते हो, एंटर करते हो, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या कई बच्चे ऐसा फन टाइप में बना लेते हैं आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, की छुट्टी होते ही हम सिनेमा देखने भग जाते हैं, या आफ्टर स्कूल टू कैंटीन, स्कूल खत्म होते ही हम कैंटीन में बैठने के मजे लेते हैं। सबके अपने अपने तरीके, अपने अपने वे आउट है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे याद कर लेना। अब ये समझने की कोशिश करना, यहाँ पर जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 से 90 के बीच में जब भी एंगल रहने वाला है तो हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपका कूद गया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट चलेगा 90 से 180 डिग्री के बीच में, यानी एंगल ऑब्ट्यूस भी बोलते हैं हम इसको, एक्यूट ऑब्ट्यूस जब भी ये बात करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास साइन, एस फॉर साइन, और साइन का उल्टा कोसेकेंट, साइन एंड कोसेकेंट को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव, यानी यही दो क्वांटिटी रहेंगी जो पॉजिटिव रहेंगी, बाकी रेस्ट चारों की चारों क्वांटिटी सेकंड हो जाएगी। अब एक बार बताइए, अगर कोस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री थी तो कोस 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा सर, 150, और 150 बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, तो उस फॉर्मूले में याद करना नेगेटिव अपने आप आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड, बात समझ में आ रही है ना। हाँ तो ये चीज है बेसिक याद करना। थर्ड क्वाड्रेंट देखिए, थर्ड में क्या है, टेन और कोट, टेन और टेन का उल्टा कोट, ये पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का उल्टा सिकेंट, ये पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। अब बात ये आती है कि अगर हमें एंगल का कन्वर्जन करना हो तो कैसे करें, बड़ा सिंपल सी बात है। देखिए मान लो हमारे पास आ गया, ध्यान से सुनना, साइन 150। देखो पहले देख के बताओ साइन 150 कौन से क्वाड्रेंट में आया, सभी बच्चे बोलेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आया, सर साइन 150 तो आया सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी साइन 150 की वैल्यू पहली बात तो पॉजिटिव आनी है, तो पहले तो पॉजिटिव साइन लगा दिया हम लोगों ने, देखते साइन 150 की मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस 150 को लिखने के दो तरीके हैं बेटा मेरे पास, ध्यान से सुनना। इस 150 को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 30, ध्यान से सुनना, और ये भी लिख सकता हूं 90 प्लस 60, आराम से सुनना बिल्कुल। अच्छा अगर मैंने 180 माइनस 30 लिखा, देखिए 180 माइनस 30 अभी भी 150 है, 90 प्लस 60 अभी भी 150 है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। तो हमें याद रखना है कि जब भी हम 180 प्लस माइनस करेंगे ना, वो साइन का साइन रहेगा, नो चेंज, यानी 180 पर साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, तो हम लिखेंगे इसको इज इक्वल टू साइन ऑफ जितना एंगल माइनस किया उसके बराबर आ गया। लो जी, यानी मैं लिख सकता हूं साइन 150 इज इक्वल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ऑफ साइन ऑफ 60। या जब आप लिखेंगे 90 समथिंग, 90 प्लस माइनस, तो 90 पे एंगल चेंज हो जाएगा, तो 90 पर साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, और कोस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। ये याद रखना बस, कि जब भी आप एंगल में 180 प्लस माइनस करेंगे तो साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, अभी और भी चीजें बता दूंगा इसको, बट अभी के लिए हम जो न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं उनके लिए इतना बेसिक फंडा बहुत जरूरी है हमें, यानी 180 प्लस माइनस भी कर सकते हैं, 90 प्लस माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन 180 पे ये क्या याद रखेंगे कि साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, लेकिन 90 पे साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक बार बताइए,
साइन 180 माइनस 30, तो ये देख के हमें समझ में आ गया कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई पहली बात। तो फिर क्या बोला गया, साइन 180 माइनस 30, यानी सर साइन साइन में ही रहेगा, और थीटा की वैल्यू कितनी, 30, तो कितना हो गया बेटा प्लस 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी साइन 150 इज इक्वल टू साइन 30। इधर देखिए ये क्या हो गया, साइन 90 प्लस 60 है बच्चों, तो साइन 90 प्लस 60 साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस, कॉस 60। अब कॉस 60 बोले कितना होता है सर, ये भी 1/2 होता है, यानी पहली वैल्यू देख के हमें साइन का पता लग जाएगा। फिर हमारे ऊपर है कि हम उसको 180 प्लस माइनस थीटा कर रहे हैं, 90 प्लस माइनस थीटा कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन देता हूं, सभी करेंगे अभी, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। हाँ वेरी गुड, देखो अगर हमारे पास आ जाए, अगर हमारे पास आ जाए, सभी बच्चे बोलेंगे कॉस ऑफ 135, कह रहे कि इसकी वैल्यू निकालो। पहले क्या करना है जल्दी बताओ, कॉस 135 पहले बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, सभी 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 फटाक से रिप्लाई करेंगे, वेरी गुड, फर्स्ट किस, हाँ वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ऑल ओके। तो कॉस 135 बोलिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड, और सेकंड में कॉस कैसा होता है, सेकंड में कॉस कैसा होता है सर, सेकंड में साइन और कोसेकेंट होंगे पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, यानी इतना समझ में आ गया कि कॉस 135 की वैल्यू नेगेटिव चलेगी। चलिए तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये तो पक्की बात समझ में आ गई। अब इसको लिखने के तरीके देखिए, कोई बच्चा लिख सकता है कि कॉस 180 माइनस 45, है ना, 180 माइनस 45, 45 ऐड कीजिए तो 180 माइनस 45 यानी 35, 135 भी बना। एक बच्चा बोला मैं क्यों लिखूं, मैं तो ऐसे लिखूंगा कॉस ऑफ 90 प्लस 45। देखो ध्यान से भाई, दोनों तरीके तो है लिखने के, या तो 180 माइनस कर दो या 90 प्लस कर दो। चलो करो, अब देखिए कॉस 180 माइनस 45, 180 है, 180 पे एंगल चेंज नहीं होगा, यानी कॉस विल रिमेन कॉस, और कितना आ गया 45। चलिए भैया अब देखिए कॉस 90 प्लस 45, लेकिन 90 आती कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, तो साइन ऑफ 45, और याद करो मेरे बच्चों दोनों की ही वैल्यू 1/√2, 1/√2, तो यहाँ पे रख देंगे, तो कोस 140 135 कितनी आई बच्चों, माइनस ऑफ 1/√2। जल्दी बोलो क्या ये चीजें समझ में आई क्या, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, यार तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन था ये, है ना, इस पे पूरा आधा लेक्चर भी निकाल सकते हैं, एक लेक्चर भी पूरा दे सकते हैं कि हम लोग कैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को चेंज करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे हम लोग आप लोगों को, मैं ही आगे फॉरवर्ड करता चला जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे, एक ही बारी में पूरा मैथ बता दे तो दिमाग से ऊपर उठ जाओगे, इसलिए इंटीग्रेशन को भी मैंने बहुत छोटा सा समझाया था आपको, एक वीडियो भी लॉन्च करी है मैंने इंटीग्रेशन के लिए, आप लोगों ने होपफुली वो देखा होगा, एक सेकेंड पार्ट भी रिलीज करेंगे, उसमें फिर एक इंटीग्रेशन का और एडवांस लेवल भी लेके जाएंगे, तो टेंशन मत लेना, अभी जितनी जरूरत है हम उसके बेसिस पे बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। चलिए बोलो इतना समझ में आया, अगर इतना समझ में आ गया मेरे बच्चों तो जल्दी से एक क्वेश्चन का जवाब देंगे हम। चलिए जी चलिए सर देते हैं, सभी पार्टिसिपेट करेंगे बच्चों, देखो एक बहुत अच्छा रिजल्ट दूंगा आपको, बहुत स्टैंडर्ड का रिजल्ट है। बोला क्या, बोला कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, ध्यान से सुनना बच्चों हमारा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 120 डिग्री पर है, यानी देख के समझ में आ गया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो थीटा है वो कितना है 120 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू 120 डिग्री, ध्यान से सुनना। और बोला गया कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है ना, तो बोला गया कि कैलकुलेट दी रिजल्टेंट फोर्स, बोला गया कैलकुलेट दी रिजल्टेंट फोर्स, दो फोर्स मान लो, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी मान लीजिए, हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है ये क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे, देखते हैं कौन बच्चा जल्दी करता है, ध्यान रखना दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जल्दी जितना जल्दी करेंगे उतना ही जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, पहले पांच बच्चों का वेट रहेगा, कौन पहले पांच बच्चे है, हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड,
पहले पांच बच्चे देखेंगे कौन वो पांच बच्चे हैं, कौन वो लकी पांच बच्चे जो सबसे पहले आंसर देंगे। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए, फर्स्ट फाइव बच्चे। नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है बेटे, साइन पॉजिटिव रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा। रूट 3/2 कहाँ तक चले गए आप? नहीं भाई नहीं, हाँ नो 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 नो। चलिए मैं कराता हूं, चलो स्टैंडर्ड है बिल्कुल, याद करो, तुम्हें खुद पे हंसी आ जाएगी तुमने क्या कर दिया। चलिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालो। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 120 डिग्री। और क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए और बी दोनों सेम है यानी ए इज इक्वल टू बी। तो मेरे लिए फॉर्मूला देखो क्या बना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को भी मैंने ए स्क्वेयर लिखा प्लस 2a² कॉस ऑफ 120 डिग्री। अब कॉस 120 डिग्री की मुझे वैल्यू नहीं पता। नहीं भाई नहीं, कॉस वन, हाँ परफेक्ट 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 परफेक्ट, वंश का आंसर आया बेटे, वंश ने बहुत बढ़िया आंसर। अब देखिए कॉस 120 की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना तो पता है ना कॉस 120 सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया और वैल्यू तो नेगेटिव आने वाली है सर। अब कितनी आने वाली है मेरी मर्जी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 180 माइनस 60 या कॉस ऑफ 90 प्लस 30। देखो दोनों का ही मतलब, पहले देखो आराम से समझो बेटे, अभी नहीं परफेक्शन नहीं आई है, मजा नहीं है। दोबारा देखिए कॉस ऑफ 120 सेकंड क्वाड्रेंट देख के ही समझ में आ गया वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये तो पक्की बात आ गई। सेकेंडली अब वैल्यू कैसे निकालूं, तो निकालने के दो तरीके, या तो 180 माइनस 60 कर दो तो भी 120, या 90 प्लस 30 कर दो तो भी 120। अब देखिए कॉस 180, कॉस 180 पे कॉस का कॉस रहेगा यानी कॉस ऑफ 60 डिग्री लिखूंगा मैं। कॉस 60 डिग्री कितना होता है, सभी बोलेंगे 1/2। बेटा टेबल याद कर लो, अगर टेबल याद नहीं है तो। कॉस 90 कन्वर्ट किस में हो जाएगा, साइन, तो साइन 30, साइन 30 भी बोलो कितना होता है 1/2। अरे सर यानी कॉस 120 की वैल्यू आ गई -1/2, कॉस 120 की वैल्यू आ गई। हाँ आप सबके आ गया आंसर, वेरी गुड, कॉस 120 की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, वेरी गुड। रखो वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में, इक्वेशन वन पे रखते हैं। चलिए ये इक्वेशन टू, पुट 2 in 1, स्टैंडर्ड है, देखना रिजल्ट याद कराऊंगा अभी। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बच्चों हमारे पास, a² + a²। अब देखिए 2a² cos 120, cos 120 की वैल्यू अभी भी पता लगी -1/2, तो -1/2 into 2a² देखो ध्यान से, 2 ने 2 को हमारा, a ने a को हमारा, तो अंडर रूट ऑफ a² यानी a। अरे सर ये तो बड़ा विचित्र रिजल्ट आ गया, यानी ध्यान से देखो दोनों का मैग्नीट्यूड है, ये तो इतना समझ में आ गया, रिजल्टेंट एंगुलर बाइसेक्टर पे जाएगा 60 डिग्री पे यानी 60 डिग्री पर। अब एक चीज और, ये भी ए रिजल्टेंट भी ए है ना, और ये भी ए, यानी अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर मानूं, इस पॉइंट को अगर सेंटर मान के और इसको मैं एक रेडियस मान के एक आर्क ड्रॉ कर दूं, देखो तो क्या ये तीनों एक ही सेंटर पे लाई करने वाले, यस सर करेंगे ना। तो बेसिकली एक सर्कल के, सर्कल जानते हो ना, अगर रेडियस आर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दूं तो ये एक सर्कल के तीनों टिप पे लाई करने वाले, यानी एक सर्कल का बनता चला जाएगा। ये बात समझ में आई बच्चों आपको, जल्दी देखिए। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद कर लो कि अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 120 डिग्री है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है,
तो रिजल्टेंट तो 60 डिग्री पे आ जाएगा, और रिजल्टेंट भी उन दोनों मैग्नीट्यूड में से कोई भी एक हो सकता है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जल्दी बताइए जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। सभी बच्चे बताएंगे क्या? सभी बच्चों का आंसर आया? जल्दी रिप्लाई फास्ट। इफ यू गाइज हैव एनी प्रॉब्लम देन डू लेट मी नो। यहां तक कोई भी इश्यूज आए हैं? जल्दी। वेरी गुड लखन, वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल कर सकते हो बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो। मैं तो तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूले में ही चेंजेस कराना सिखा रहा हूं। देखिए अल्टीमेटली हमें ऐसे ही न्यूमेरिकल्स करने हैं, ये न्यूमेरिकल का ही एक पैटर्न है। जो तुम्हें ये लग रहा है ना कि मैं कन्वर्जन करा रहा हूँ, टेंशन ना लेना, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल दिखाई देंगे जिसमें 120 डिग्री बनेगा, 150 डिग्री बनेगा, 135 डिग्री बनने वाला है। तो आपको ये कन्वर्जन नहीं आएगी तो वही क्वेश्चन रुक जाएगा आपका। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। ये जो सब चीजें कराई है ना, ये देखो एक होता है सीबीएसई लेवल का वेक्टर। सीबीएसई लेवल का वेक्टर मैं 2 घंटे में पूरा करा सकता था, बिल्कुल बेसिक बेसिक बताता। जो आज हम ट्रायंगल लॉ पर आए हैं वो मैं पहले पहले ही दिन ट्रायंगल लॉ पे आ जाता। ये बिल्कुल हम नीट प्लस आईआईटी जेई की लेवल की तैयारी करेंगे, बिल्कुल आईआईटी जेई लेवल की तैयारी। कोई बच्चा आकाश में, कोई बच्चा नारायणा में पढ़ रहा हो तो उनके मॉड्यूल और हमारे पढ़ाई करना कराने वाला मॉड्यूल चेक कर लेना। यू विल फील कि दोनों का लेवल टक्कर पे रहेगा। टेंशन मत लेना, श्योरिटी रहेगी। जितनी कोशिश करते हैं, मैं जितनी कोशिश करूंगा ना, जितनी मेहनत करूंगा, मेरे से डबल ट्रिपल 4 टाइम्स आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे, रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे, कोई भी क्लास स्किप नहीं करेंगे। जैसा मैं देख रहा हूँ अभी स्ट्रेंथ बहुत कम है, सुबह की स्ट्रेंथ ज्यादा थी, अब की स्ट्रेंथ बिल्कुल भी कम है। बट मैं गारंटी कर रहा हूँ, जो बच्चा रेगुलर रहेगा ना फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट डे टू दी लास्ट डे, वो जीवन में कभी पीछे नहीं मुड़ के देखेगा। ये मेरी श्योरिटी है आप लोगों को, विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ। बट कंडीशन रहेगी बच्चे, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, सुबह शाम लग के मेहनत कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, लेक्चर प्रिपेयर करते हैं, फिर आप लोगों को डिलीवर करते हैं, तो उससे डबल ट्रिपल मेहनत आप लोगों की चाहिए। ठीक है ना? कॉन्टिन्यूटी कभी भी ब्रेक ना करें। सांस निकल भी जाए ना तो भी निकलने से पहले फिजिक्स पढ़ के तब निकलना, बस जी अब मैं परम धाम पे जा सकता हूँ। ठीक है ना? तो कोशिश करो पूरी मेहनत करने के लिए, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करो। मेहनत करोगे तो वन डे यू विल रियलाइज कि इसका बहुत अच्छा परिणाम आप लोगों को मिलने वाला है। और परिणाम एक ही है बेटा, या तो हम लोगों ने नीट का सपना देखा होगा या हम लोगों ने आईआईटी जेई का सपना देखा होगा। आईआईटी जेई और नीट सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, बट सपने को साकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाखों बच्चों, 10 लाख बच्चे देखते हैं सपना, लेकिन उसमें से होता कितने, 2,000 3,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। इसलिए कह रहा हूं कि जो सपना देखा है उसके लिए एकदम गोल ओरिएंटेड हो जाओ। एक कहावत है ना, सपने वो है जो रात में सोते हुए देखते हैं, वो सपने नहीं होते। जो रात में सोने ना दे वो सपने होते हैं। तो आपको वो रात में सोने ना दे, सोने ना देने का मतलब ये नहीं कि व्हाट्सएप पे लगे चैटिंग कर रहे, यूट्यूब खोल के मजे ले रहे हैं, वो मतलब है कि बुक उठाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो। थक जाओ तो फ्रेश हो जाओ, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट का पावर नैप ले लो, फिर दोबारा पढ़ाई पे लग जाइए। चलिए तो कल मिलते हैं फिर इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, इस वाले पीरियड का बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। टाइम मैं बता दूंगा आप लोगों को, विल मैसेज यू, वरना ये तो स्टैंडर्ड टाइम है ही हमारे पास, 7 o'clock की क्लास तो चलेगी। अगर इसमें कोई प्लस माइनस होगा तो आई विल इन्फॉर्म यू, मैसेज यू। चलिए टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बी सेफ, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।